मेरा जो टॉपिक है वो सर्व शिक्षा अभियान के है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है कि सभी को शिक्षा, सभी को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें सभी को शिक्षा देने की बात कही गई है। और इसमें सबसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ गरीबी बहुत थी और समाज दो तबके बटा हुआ था, एक अमीर वर्ग था एक गरीब वर्ग था। और अमीर वर्ग के पास तो प्रॉपर संसाधन थे, वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा दे सकते थे, लेकिन जो निम्न वर्ग था वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने में असमर्थ था। तो सरकार का ये अभियान था, ये कार्यक्रम था कि जिसमें जो बालक हैं, जो निम्न वर्ग के बालक हैं, उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें, उनका मानसिक विकास हो सके, उनका शारीरिक विकास हो सके और उनका शैक्षिक विकास हो सके और वो समाज के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो प्राथमिक शिक्षा एक मुख्य शिक्षा होती है जो कि बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए, अगर हम पहले की बात करें तो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, उन्होंने पहली बार प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए, इस चीज के लिए उन्होंने केंद्रीय सभा में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। और फिर उसके बाद 1917 तक मुंबई के कई क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य शुरू किया गया और प्राथमिक शिक्षा दी गई, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हुआ, उतना उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमारा देश 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिरता थी वो बहुत ज़्यादा थी। और 1950 में हमारा संविधान बना, अब संविधान हमारा बन गया है। तो उसमें एक धारा थी, धारा 45, उसमें लिखा गया था कि सभी जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। संविधान में लिखा गया था कि 1960 तक, जब से संविधान बना है, और उसके 10 साल तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 100% प्राथमिक शिक्षा दी जाए और जो बालक है 100% उसमें इनरोलमेंट अपना कराएं और प्राथमिक शिक्षा लें। लेकिन होता नहीं कि संविधान है, उस तरीके से काम नहीं हुआ, राज्य सरकार बोले कि ये तो केंद्र सरकार का कानून है, उन्होंने बना रखा है, और केंद्र सरकार बोले तो राज्य सरकार कहें तो राज्य सरकार इस पर अपना इसको कार्य करें या फिर इससे बच्चों को लाभान्वित करें। तो इस तरीके से जो था धारा 45 में जो लिखा हुआ था ये सफल नहीं हुआ, कारगर नहीं हुआ। उसके बाद साल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू कर किया 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है कि सबके लिए शिक्षा, सबको शिक्षा दी जाए, सबको प्राथमिक शिक्षा दी जाए, और खासकर ऐसे बालक जो मतलब तटीय क्षेत्रों या फिर अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको शिक्षा नहीं दी गई है या फिर उनको प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, तो उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें जो धारा 45 है उसको संशोधित किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये उनका मौलिक कर्तव्य बनाया गया, सॉरी मौलिक अधिकार बनाया गया। और जो हमारा मौलिक अधिकार है जो भाग 3 है उसमें प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता जो 21A है उसमें ये कहा गया कि राज्य एक विधि बनाएगी जिसमें सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए और ये उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार रहेगा तो इससे क्या है कि वो उनको शिक्षा दी जाएगी, सरकार उसके लिए कुछ करेगी। और इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों पर मुझे पंचायतों को दिखाई और प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने के व्यक्ति की बात करेंगे। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है नीचे से शुरू करेगा कि ताकि जो बालक हैं, जो दूर दराज के बालक हैं, जो गांव के बालक हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली है उनको शिक्षा मिले, उसमें जो पंचायतें हैं वो अपना एक रोल निभाएं कि वो बच्चों को स्कूल तक ले आए, उसके लिए वो कार्यक्रम चलाएं, गांव गांव में जाएं और ये अपना विचार प्रस्तुत करें और माँ बाप जो हैं उनको उतना प्रशिक्षण करें कि वो अपने बच्चों को स्पेशली बालिकाओं को और बालक को स्कूल भेजें और वो यहाँ पे आके अपना शिक्षा प्राप्त कर सके। और सर शिक्षा अभियान का एक काम था स्कूल चले हम जो शायद दूरदर्शन पे उस टाइम बहुत दिखाया जाता था। और सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य ये था कि बच्चे ये 2001 में शुरू किया गया है, 2003 तक ये उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर उन्होंने स्कूल में नामांकन लिया, उनका स्कूल में मन नहीं लग रहा था, वो स्कूल में रुकते नहीं थे, स्कूल से भाग जाते थे, तो
सरकार ने सुनिश्चित किया कि बच्चे स्कूल में रुके, नामांकन कराएं और शिक्षा प्राप्त करें। और इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, फ्री में उनको पुस्तकें मिले, उनको ड्रेस भी मिले, उनको जूते मिले, उनको स्कूल बैग मिले और उनको भोजन भी मिले, जो मिड डे मील है वो भी मिले ताकि वो स्कूल में रुके। और 2007 तक सभी बच्चों को कम से कम 5वीं तक की कक्षा पूरी कर लें, क्योंकि ये 2003 में शुरू किया गया, 2005 तक मतलब कि जो बच्चे हैं वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, 1 से 5वीं तक की शिक्षा पूरी कर लें और फिर 2010 तक स्कूल जो 8वीं शिक्षा तक की स्कूल 8वीं जो क्लास की शिक्षा है वो भी पूरी कर लें। और प्राइमरी स्कूलों के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, मतलब बालकों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए जिसमें उसका मन लगे, ऐसा नहीं कि बालक स्कूल आ रहा है और टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको समझ नहीं आ रहा और जो टीचर्स है वो भी समझ नहीं पा रहे कि स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं। तो चूंकि छोटे बालक होते हैं तो उनको इस प्रकार से समझाया जाए खेल कूद के माध्यम से, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे जो जिनके माध्यम से वो बच्चों को अच्छे से समझा सके। और सर्व शिक्षा अभियान ये सुनिश्चित करेगा कि जैसे कुछ ऐसे बालक होते हैं, मतलब समावेशी शिक्षा की बात करी गई है जिसमें कि जैसे कि सामान्य बालक भी होते हैं और असामान्य बालक भी होते हैं, असामान्य बालक जो होते हैं या विशिष्ट बालक जो होते हैं वो सामान्य बालक के साथ सामंजस्य स्थापित करें और कैसे स्थापित करें ये टीचर सुनिश्चित करें। और 2007 तक देश के प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर व लिंग भेदभाव को समाप्त करें, मतलब ऐसा होता था उस टाइम देखा जाता था कि जो माँ बाप होते थे वो अपने खासकर जो बालक मतलब जो बच्चियाँ होती थी जो लड़कियाँ होती थी उनको स्पेशली स्कूल में नहीं भेजा जाता था कि हाँ स्कूल बहुत दूर है बच्चियाँ नहीं जाएंगी, या फिर घर में खाना पकाएं भोजन बनाएं या फिर जैसे खेत वगैरह में काम कराने के लिए ले जाते थे उस टाइम, तो जो माँ बाप होते थे उनकी मानसिकता प्रवृत्ति होती थी कि नहीं नहीं जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी। तो सरकार ये सुनिश्चित कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा कि जो बालिकाएं हैं उनका भी नामांकन हो स्कूल में, वो भी जाएं और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करें, जैसे कि बालकों को शिक्षा दी जा रही है वैसे बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाए और वे अपना विकास कर सके। अगर उनको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, मुख्य शिक्षा मिलेगी, तभी वो अपने भविष्य को आगे सुनिश्चित कर पाएंगे। और सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण की बात करी गई है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात करी गई है, इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की बात ऐसे करी है जैसे कोई टीचर है और उन्होंने प्रशिक्षण लेके आया है और तो उनको लगभग साल में 20 दिन का शिक्षण दिया जाए और जो नए टीचर्स हैं उनको 30 दिन की शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए। तो सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खंड में एक ब्लॉक संसाधन केंद्र होगा, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि जो बालक हैं या फिर जो स्कूल में जो बालक या बालिकाएं जो स्टूडेंट्स हैं गुजार हैं उनको सुनिश्चित करेगा कि उनको मुफ्त में किताबें मिलें, उनको मुफ्त में स्कूल बैग वगैरह मिले और उनके अंदर लालच आए कि ठीक है हमें वहाँ पे पुस्तकें मिल रही हैं, स्कूल बैग मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो हम स्कूल में जाएं, हम वहाँ पे देखें कि हाँ वहाँ पे और सारी चीज़ें क्या क्या बताई जा रही हैं और टीचर्स भी ऐसे हों कि उन्हें इंटरेस्ट लाएं बच्चों में, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से बताएं कि वो समझ पाएं कि हाँ शिक्षा जो है थोड़ा प्रस्तुत हो रही है और बच्चे उसको समझें और स्कूलों की स्थापना कैसे की जाए या फिर स्कूल कहाँ कहाँ बनाए जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान ये सुनिश्चित करेगा कि जहाँ पे 300 की आबादी है और वहाँ पे आवासीय क्षेत्र भी होना चाहिए, जहाँ पे जो सर्व शिक्षा अभियान है वो सुनिश्चित करेगा कि वहाँ पे एक विद्यालय खोले और विद्यालय में विद्यालय मतलब आवासीय क्षेत्र के आसपास हो। अब प्राथमिक और विद्यालय की शुरुआत होने कर दीजिए, अब वहाँ पे जब बच्चे 1 से 5 की शिक्षा ले लेंगे उसके बाद उन्हें उच्च प्राथमिक शिक्षा चाहिए तो उसके लिए भी सुनिश्चित करेंगे 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय भी हो और वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपना शिक्षा प्राप्त करें। और जो स्कूल है उसमें कितने शिक्षक होने चाहिए, तो स्कूल में मिनिमम 2 शिक्षक होने चाहिए और एक मतलब एक जो शिक्षक है आपके टीचर है उसके ऊपर कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो उसमें कम से कम 40 स्टूडेंट होने चाहिए, अगर इससे अधिक है तो 2 टीचर होने चाहिए और कम स्टूडेंट होंगे तो जो टीचर है वो इजिली बच्चों की मानसिकता को समझ पाएगा कि हाँ क्या बच्चे का आज पढ़ने में मन लग रहा है, वो आज पढ़ेगा
तो इसके बजाय उसका परमानेंट मनी लगा तो हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि उसको बाहर लेके जाए कि फिर मुफ्ती नादी से कुछ सिखाए, क्योंकि छोटे बालक होते हैं तो उनका इतनी सतर्क पढ़ाई में लगता नहीं है और टीचर्स को वो शिक्षा दिया जाए कि हाँ वो मतलब ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो टीचर है या फिर जो बालक है वो खेल कूद के माध्यम से भी सीख सके। चलो आगे स्लाइड देखो और स्लाइड देखो। मेरे ख्याल से केवल एक ही स्लाइड में तुम्हारे में वो डायग्राम है, बाकी तुमने किसी भी स्लाइड में डायग्राम नहीं दिया है। बच्चे बोर हो गए क्योंकि वो तुमको सिर्फ सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके सर के ऊपर से निकल जाए। अगर डायग्राम बना होता उसमें आपने किताबें और बस्ता दिखाया होता तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता। yes, ठीक है, एक तो आपकी रनिंग मैटर की स्लाइड है, दूसरा स्लाइड तो कम है लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है और जो बारहवीं तक की शिक्षा है उसको इसमें सारा कुछ सम्मिलित कर दिया गया है। और इसमें शिक्षा की बात करी है, इसमें जैसे कि स्मार्ट क्लासेस की बात करी गई है, स्मार्ट क्लास और मतलब व्यवस्थित तरीके से शिक्षा देना होता है और बहुत सारी चीजें हैं। और सर्व शिक्षा अभियान कब तक चला? मैम ये 2000 इसकी जो समय बनी थी, मतलब ये एक समय के हिसाब से 10 साल तक 2010 तक चलना था इसको। 10 तक चला, 2010 से चला चला था। यस मैम, उसके बाद 2011 से दो लगभग ये 18 तक चला हुआ था, उसके बाद और नई योजना आई उसमें वो मर्ज हो गया। यही मेरा कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल वो चीज पर्टिकुलर सर शिक्षा अभियान सबको पता है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बता दिया प्राथमिक विद्यालयों का करने के लिए और आवासीय व्यवस्था करने के लिए था, ये चला था, इसके बाद की नई योजनाएं मिलके आई और आपको खत्म कर देना। ठीक है, आप क्योंकि उसी पर बेस्ड हो एकदम सर्व शिक्षा अभियान पर और एक भी स्लाइड में आपका कहीं भी डायग्रामेटिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा बच्चे बोर हो गए। ठीक, चलिए, ये बहुत अच्छा।